नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रीति और मैं हूँ प्रिया और हम हैं आपके डिजिटल दोस्त। दीदी, कल आपने कहा था कि हम इलेक्ट्रॉनिक वीडियो किट के इलेक्ट्रॉनिक भागों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। बिल्कुल सही। आज हम स्मार्ट हब, मोटर्स और सेंसर्स क्या होते हैं और उनका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। दीदी, मेरा एक बहुत ही बुनियादी सवाल है। बुनियादी मतलब एकदम ही बेसिक। अरे शर्मा क्यों रही हो, सबसे पहले हमें बेसिक्स ही तो अच्छे से सीखने पड़ेंगे ना, और जितनी अच्छी बुनियाद उतना अच्छा और आसान आगे का सीखना। पूछो पूछो, सवाल पूछना अच्छी बात है। मैंने काफी जगह ये शब्द सुना है इलेक्ट्रॉनिक्स, पर मैं ढंग से इसका मतलब नहीं समझ पाती। आप मुझे समझाओगे? थोड़ा कठिन है इसे समझाना, मगर मैं कोशिश करती हूँ। टीवी, फ्रिज, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, कैलकुलेटर्स, ये सभी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं वो होती है जिनमें सर्किट्स होते हैं और जो बिजली की ऊर्जा से अपना काम करते हैं। पर ये सर्किट क्या होता है? सर्किट्स माइक्रोचिप्स, ट्रांजिस्टर्स और डायोड जैसे भागों को विशेष रूप से जोड़कर बनाया गया समूह होता है। अरे ये तो मेरे सर के ऊपर से जा रहा है, आप थोड़ा सरल रूप से समझाओ ना। अरे मैं ही सब बताऊंगी या तुम खुद भी कुछ पता करोगी? खैर, अभी के लिए तुम बस इतना समझो कि स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं ऐसी होती है जो अपने आप में ही बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट होते हैं। इस इंटेलिजेंस का प्रयोग कर वो अपना काम खुद कर सकते हैं। इन इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक चीजों को जोड़कर हम अपना काम उनसे करवा सकते हैं, जैसे कि हमारे वीडियो किट का स्मार्ट हब। अरे ये तो खाली है दीदी। हाँ, क्योंकि इसमें अभी भी बैटरी डालना बाकी है। बैटरी डालने के बाद आपका स्मार्ट हब पूरी तरह रेडी हो जाएगा और इसे आप अपने कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं। वो कैसे दीदी? इसे करने के लिए आपको सबसे पहले अपने कंप्यूटर में वीडियो 2.0 का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर खोलने के बाद हम स्मार्ट हब को सॉफ्टवेयर से ब्लूटूथ द्वारा जोड़ सकते हैं। फिर हम सॉफ्टवेयर में जो भी आदेश देंगे वो ब्लूटूथ के द्वारा स्मार्ट हब तक पहुंच जाएगा और फिर स्मार्ट हब उसे वीडियो के बाकी सारे एलिमेंट्स तक पहुंचाएगा और फिर वीडियो के सारे एलिमेंट्स हमारे दिए गए आदेशों का पालन करेगा। और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स एलिमेंट्स क्या है दीदी? मैं अभी बताती हूँ, मगर उसके पहले तुम इस स्मार्ट हब को ध्यान से देखो। सबसे पहले है ये पावर बटन जो आपको स्मार्ट हब को ऑन या ऑफ करने में मदद करता है। दूसरे है ये पोर्ट्स जो आपको स्मार्ट हब को दूसरे एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट करने में मदद करता है। और तीसरा फीचर है ये लाइट। व्हाइट लाइट जलने का मतलब है कि स्मार्ट हब ब्लूटूथ कनेक्शन की प्रतीक्षा कर रहा है। ऑरेंज लाइट जलने का मतलब है कि स्मार्ट हब को चार्ज करने की जरूरत है। और ब्लू लाइट का मतलब है कि स्मार्ट हब आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो चुका है। व्हाइट मतलब कनेक्शन की प्रतीक्षा, ऑरेंज मतलब चार्जिंग की आवश्यकता, ब्लू मतलब समझो कनेक्शन पक्का। वाह, अब चलो बाकी इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स को देखते हैं। इसे कहते हैं मीडियम मोटर। मीडियम मोटर बिजली का इस्तेमाल करके एक्सल को रोटेट करती है, यानी घुमाती है। रोटेशन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हो सकते हैं। हम ना केवल इसे एक निर्धारित समय के लिए चला सकते हैं, बल्कि हम इसकी स्पीड भी निर्धारित कर सकते हैं। वाह दीदी, ये मोटर तो बड़ी ही कूल चीज है। क्या तुमने ऐसे मोटर और कहीं देखे हैं? हाँ हाँ, पंखे में मोटर, पहिए में मोटर, पानी खींचने के पंप में मोटर, मोटर इज इन द मोटर कार। तो अगला इलेक्ट्रॉनिक भाग क्या है, बताओ ना यार। अगला इलेक्ट्रॉनिक भाग तो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। भला क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी ही तरह सचेत और सतर्क है। आसपास होने वाली सारी घटनाओं का पता उसे एकदम से लग जाता है। तो बताओ ना दीदी, वो क्या है? इन्हें कहते हैं सेंसर्स। जैसे हम मनुष्य अलग अलग सेंस ऑर्गन्स के द्वारा अलग अलग घटनाओं को देखते हैं, सुनते हैं, उन्हें स्पर्श करते हैं, स्वाद लेते हैं, सूंघते हैं, वैसे ही ये सेंसर्स कंप्यूटर्स और मशीन्स के सेंस ऑर्गन्स यानी ज्ञान इंद्रिया होती है। वीडियो में कौन कौन से सेंसर्स हैं दीदी? इसमें दो सेंसर्स हैं। पहला है टिल्ट सेंसर। अगर ये सेंसर किसी संरचना में लगाया जाए तो उस रचना का झुकाव पता लगाने में ये हमारी मदद करता है। दूसरा है मोशन सेंसर। ये सेंसर हमें बताता है कि एक ऑब्जेक्ट कितना दूर या पास है। ये सेंसर हमें उसका लोकेशन पता करने में भी मदद करता है। मोशन सेंसर मैंने बहुत बार देखा है। बताओ तो कहाँ?
मोशन सेंसर मुझे है भाता, पास जाओ तो एस्केलेटर शुरू हो जाता, आधुनिक टॉयलेट के नल में पानी आ जाता और लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता। अरे वाह, अब तो तुम वीडियो किट के इलेक्ट्रॉनिक विभाग से भी काफी वाकिफ हो चुकी हो। बिल्कुल बिल्कुल, चलो इनको आदेश देकर इनसे काम करवाते हैं। हाँ हाँ जरूर करेंगे, मगर उससे पहले हमें उनको आदेश देना सीखना पड़ेगा और उसके लिए हमें अगला वीडियो भी देखना पड़ेगा।